लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने बुधवार को एक बस कैंपेन की शुरुआत की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य इस बस कैंपेन के जरिए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के इस बस कैंपेन के बारे में सैम पित्रोदा से बात की गो न्यूज संवाददाता अजय झा ने। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली से होते हुए हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जा रहा है। सैम पित्रोदा हमारे साथ हैं। सर, क्या मोटिव है और किस तरह से कितने लोग जा रहे हैं, कितने दिन का ये दौरा होगा? देखिए, पहले तो आपको समझना है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस करीबन 30 देशों में है। हमारे मेंबर्स सब जगह से आते हैं, सालों से कांग्रेस के प्रेमी हैं, कांग्रेस का प्रचार करते हैं, साउथ में, नॉर्थ में, सब जगह। बहुत सारे लीडर्स यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह से यहाँ आए हुए हैं। बहुत लोग एक महीने से हैं, कुछ लोग दो वीक से हैं। आज हम ये बस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो बस आईओसी की तरफ से सब जगह ट्रैवल करेगी। नॉर्थ में हरियाणा, पंजाब मेनली, और जगह जगह पे जाके प्रचार करेगी। बस के अंदर हमारे मेंबर्स और लीडर्स भी रहेंगे। करीबन दो वीक तक ये काम चलेगा। किन विषयों के साथ जाएंगे, क्योंकि जो पब्लिक डिस्कोर्स में चीजें चल रही हैं आज देश में, जो जिन मुद्दों पे बहस चल रही है, क्या उन लोगों को, उन मुद्दों को ले जाके लोगों के बीच समझाने की कोशिश करेंगे? फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी के अगर ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला आता है, आपसे भी जानना चाहेंगे, कह रहे हैं कि लंदन ब्रिटिश नागरिक है, झूठ, होम मिनिस्टर ने नोटिस दे दिया, झूठ है। राहुल गांधी 15 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी देश के नागरिक है, आपको पता है, मुझे पता है। इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उनको प्रचार बहुत मिलता है। मीडिया भी झूठ फैलाने में कुछ कुछ साथ देती है, नॉट सब एवरीबॉडी, ओके। तो मैं तो इतना ही कहूंगा और देन वी विल नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन। इट इज अ लाई एंड इट डजंट डिजर्व इवन 2 मिनट्स ऑफ मीडिया टाइम। थैंक यू। तो ये थे सैम पित्रोदा जी का ये कहना है कि ये राहुल गांधी की सिटीजनशिप का मामला पूरी तरह से झूठा है, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल एक बस के जरिए जो अब से कुछ देर के बाद दिल्ली से निकलेगा, दिल्ली में कुछ जगहों पे ये लोग जाएंगे, उसके बाद ये हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए पंजाब जाएंगे। लगभग 2 हफ्तों तक लोगों के बीच जाके ये कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।